Good morning everyone. I am from TSN BA second year and environments paper 7 से हम बात कर रहे थे हमारे बहुविषय उपागम की, जब हमने इंट्रो और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा का बहुविषय उपागम, दैट मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस हम कहाँ पढ़ रहे हैं, किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये एनवायरमेंट of environment education, environment study के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. कि पर्यावरण शिक्षा जो है एक बहुविषयक उपागम पर आधारित विज्ञान है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का संबंध मानव सभ्यता और उसके विकास से है. पर्यावरण का अंतर्गत जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी अवबोध है, वो केवल सभ्यता व उन्नयन के ही कारण रहा है, उसका ही एक क्या है, इनिशियल रहा है, घोतक रहा है. जबकि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत उसके अध्ययन में कई सारी पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत कई सारी हमारी सभ्यताएं संस्कृतियां में विलीन होने का ही ज्ञान प्रदान करता है. पर्यावरण शिक्षा के अंतर्विषय उपागम से ये बात, अंतर्विषय उपागम दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इंटर, हम जो पढ़ा था एक विषय उपागम से, यह बात तो हमने देखी थी कि भाई ये पर्यावरण विषय कई विषयों का संगम है. परंतु दूसरे उदाहरण ये भी आ जाती है कि पर्यावरण विषय, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण जो है हमारा, उसके साथ में क्या क्या चीज चल रही है. हमने कैरेक्टर बताया था, सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करना भी बताया है. इसीलिए पर्यावरण का सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध भी उतना ही पुराना है, उतना ही पुरातंत्र है, जितना मानव विकास का पर्यावरण के साथ में संबंध है. इसलिए पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विषयों में सह संबंध स्थापित करके छात्रों को ये शिक्षा दी जाती है. किसके माध्यम से? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज, दैट मीन्स बहु विषय उपागम. इसलिए यहाँ पर यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को सह संबंधित करके पढ़ाया जाए, ताकि छात्र क्या है, उन विषयों के साथ में उन विषयों का ज्ञान लेते हुए पर्यावरण को भी समझ सके और उनके ज्ञान प्राप्त करके उनको विकास में अपना योगदान कर सके. तो ये जो है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, ये टॉपिक उसी पर है. तो आज हम बात कर रहे हैं मैं एक छोटे से वेन डायग्राम में ये चीज बताना चाहूंगी आपको. एनवायरमेंट एजुकेशन, अब हमने बोला मल्टीपर्पज, तो हमने देखा था प्राकृतिक और सामाजिक विषय कई सारे विषयों के साथ में, इसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है. इसके अंतर्गत क्या दी जाती है, व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि इसके अंतर्गत क्या है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है. इसमें जो है अध्ययन बच्चों को ऐसा दिया जाता है कि जो पर्यावरण के साथ साथ में ही वह अपने आगे वाले भविष्य का, अपने पैरों पर खड़े होने का भी, अपने सुअवसर या अपने आगे की गेट खोल सके, भविष्य में क्या है, विकास कर सके उस क्षेत्र के प्रति. जैसे कोयला, पेट्रोल, ईंधन आदि ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत छात्र क्या करते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर नॉलेज प्राप्त करके इन क्षेत्र में अपना कदम रख सकते हैं. मनुष्य अन्य प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त पदार्थ जैसे लकड़ी, औषधियां हैं, चमड़े, हाथी दांत, पशु, खेत खलियान, बहुत सारी चीजें हैं, फसलें, ये सारे के सारे क्या है, व्यावसायिक शिक्षा में प्रयोग करके मनुष्य अपने क्या कर सकता है, आजीविका कमाने में कर सकता है. ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करा है, मगर पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत ऐसे कई सारे उदाहरण हैं. हम रिसोर्स के बारे में बात करें, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल के बारे में बात करें, सोलर पैनल के बारे में बात करें, इसके अंतर्गत मनुष्य अपने अच्छा सा व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रख सकता है. हम दूसरा देखें तो भूगोल, दैट मींस हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड ज्योग्राफी. हम सभी को मालूम है कि पर्यावरण के अंतर्गत सभी भाग क्या है, हमारे क्षेत्र में कितना भाग जल है, कितना थल है, कितना पठार है, मैदान है, हरियाली है, तो सारी चीजें कहाँ है, हमारा ज्योग्राफिकल ही चीजें
प्रस्तुत करता है कि हमें कुछ भी चीज़ों की नॉलेज चाहिए है, तो इसके माध्यम से ही हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि भूगोल विषय भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का क्या है, एक मिश्रण है। मानव पर्यावरण के मध्य स्थापित संबंध का अध्ययन ही भूगोल की क्या है, एक विषय वस्तु बनाई गई है। भूगोल की नवीन शाखा जो है पर्यावरण भूगोल है। क्या है पर्यावरण? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जो कि भूगोल और पर्यावरण के संबंधों को, उसके सहसंबंध और उसके महत्व को हमें बताता है। भूगोल विषय द्वारा पारिस्थिति की व्याख्या, भौगोलिक क्षेत्र में खनिज, प्राकृतिक संबंध, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी वनस्पति है, जीव जंतु हैं, मानव है, इन सब के सब बॉटनिकल जो रिलेशनशिप है हमारी, उनके संबंधों को आर्थिक संबंधों के साथ, सोशल कल्चर रिलेशन के साथ में हमें समझाने का अवसर देता है। और उनका मूल्यांकन करके उनके क्षेत्र के अंदर हमें सारी की सारी चीज़ें हमें नॉलेज देता है। हमारे एटमॉस्फेयर है, वाटर रिसोर्स है, हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर है, हमारे जितने भी एनवायरमेंट्स के अंतर्गत जहाँ से हमारी शुरुआत होती है, वो सारा का सारा क्या है, पर्यावरण शिक्षा और भूगोल दोनों का ही अध्ययन का विषय वस्तु है। इनकी परस्पर अंतर्संबद्धता का घोतक भी यही है पर्यावरण शिक्षा। और क्या जाता है हमारा समाजशास्त्र, दैट मीन्स एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड द सोशली भी हम बता कर रहे हैं। इनके अंदर मल्टी सब्जेक्ट के अंदर मल्टी टैलेंट, उसके इनका इंटर रिलेशन। पर्यावरण शिक्षा समाज शास्त्र भी एक दूसरे से सहसंबंधित है, क्योंकि समाज शास्त्र में मनुष्य को सामाजिक और संस्कृतियों दोनों ही समस्याओं का अध्ययन बताया गया है और उनका निवारण करना सिखाया गया है। इसमें पारिस्थिति यानी कि हमारा इको सिस्टम जो है वो, और मानव के संबंधों को बताया जाता है, उनका अध्ययन बताया जाता है। हमने देखा कि पुरातंत्र की बात करें तो पहले से ही हमारे इकोलॉजिकल और मानव के संबंध जो है तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों में एक दूसरे पर निर्भर है, हमारा इको सिस्टम और हमारा ह्यूमन। हमने पहले भी पढ़ा था हमारा जो है फूड चेन की बात करें तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक दूसरे पर ही निर्भर है, मगर इनमें परिवर्तन लगातार चला आ रहा है। जैसे पानी, सूर्य, पृथ्वी आदि क्या है, पूजनीय माना जाता है, परंतु वर्तमान में बदलती मान्यताओं में नैतिक मूल्यों के इनमें क्या हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, डिग्रेड हुआ है, इनका हार्श हुआ है, और पर्यावरण क्या हुआ, थोड़ा सा स्तर नीचे आया है इन नैतिक मूल्यों को लेकर के। इन सभी बातों का अध्ययन पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण के द्वारा ज्ञान दिया जाता है कि जब हम पृथ्वी और उसके सभी जैविक पक्षों को सम्मान देंगे तथा भविष्य में देंगे, तभी ये क्या है, हमारे लिए कार्य करेंगे, तभी ये हमारे लिए हमारे पर्यावरण को बैलेंस, सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। समाजशास्त्र विषय के अध्ययन में यह भी हमें पता चला कि व्यक्ति को किस किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण क्या है उसमें एक तरह का सामंजस्य, एक तरह का बैलेंस हो सके, और फ्यूचर के लिए हमारी भावी पीढ़ी क्या है, इससे लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए समाजशास्त्र और पर्यावरण शिक्षा के द्वारा मानवीय व्यवहार में परिवर्तन व नैतिक मूल्यों के विकास के लिए संरक्षण, दैट मीन्स कंजर्वेशन एंड रीजनरेट की बात संभव है और बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स की, यानी कि हम बात कर रहे हैं हमारे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र कैसे रिलेटेड है हमारे एनवायरमेंट एजुकेशन से, कि व्यक्ति अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या करता है, धन को उपयोग में लाता है, व्यक्ति आय वृद्धि के साधन ढूंढता है और आर्थिक उत्पादन संबंधों उद्योगों का संचालन भी करता है, बिजनेस करता है। बिजनेस के अंतर्गत जैसे जैसे उसको उद्योगों का नॉलेज होगी तो वो प्रॉफिट होना लाजमी है, कि अगर हमारे पास में बिजनेस का, व्यवसाय का, उद्योगों का अच्छा ज्ञान है तो हम उस क्षेत्र में अच्छा क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, हमारी वृद्धि कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन वृद्धि आवश्यक है, और वह आधुनिकता से टेक्नोलॉजी के साथ में उत्पादन वृद्धि के लिए क्या है, हमें नई नई चीज़ों का ज्ञान आवश्यक है, हमारे पर्यावरण में रहकर इन चीज़ों पर नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वृद्धि के लिए वनों और प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, एक तरह से अनुचित दोहन करने के पीछे नहीं हटता है, और हम क्या करते हैं, हमारे
प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारे इस पर्यावरण के अंदर जितने भी व्यवसाय हैं उनको प्रॉफिट के लिए हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए। तो पर्यावरण का तो एक तरह से देखा जाए कि एक तरह से हार्श हो रहा है और संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और संसाधन इस तरह खत्म होंगे तो हमें पता है कि आने वाले टाइम में ये संसाधन बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अतः पर्यावरण के अंग संसाधन अर्थशास्त्र से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, क्योंकि आर्थिक चेतना पर्यावरण का मूल आधार है और पर्यावरण संतुलन के लिए पर्यावरण उत्पादन में संतुलन होना बहुत अधिक आवश्यक है। प्रत्येक देश में अपना आर्थिक तंत्र होता है, किंतु सभी देशों का आर्थिक तंत्र विश्व के बाजारों के अंतर्गत, जितने भी हमारा जो मार्केट का मार्केट है, हमारा वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड ट्रेड जो है वो क्या करता है, कच्चे माल, भोजन, उत्पादित सामग्री से ही जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से लेना, एक दूसरे को देना, एक दूसरे को आदान प्रदान करना। तो इसलिए ये क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि किसी देश की फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरे देशों में उसी फसल के खाद्य पदार्थों की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि मालूम है हमारे देश में वो चीज़ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे देश तक मंगाएंगे तो वो बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो क्या होगा, उसकी इकोनॉमिक रेट हाई हो जाएगी, हमारी इकोनॉमिक रेट डाउन हो जाएगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत करा है, ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, हम देखें एनवायरमेंटल साइंस एंड एजुकेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं हमारी शिक्षा की, एजुकेशन। एनवायरमेंटल साइंस एंड एजुकेशन, पर्यावरण विज्ञान जो है एक सैद्धांतिक पहलू है जो कि शिक्षा का क्या है, हम बात कर रहे हैं एक तरह से परिवर्तनशील, गत्यात्मक, गति करने वाली अवस्था है जो दिन प्रतिदिन क्या रहती है, एक्टिव रहती है, एक्टिव है, चेंजेबल है, ये कभी भी रुकने वाली नहीं है, हमेशा ये चीज क्या रहेगी, गत्यात्मक, जो गति ली हुए है, परिवर्तनशील है। पर्यावरण विज्ञान के द्वारा प्राप्त ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। हम जो बात कर रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस एनवायरमेंट एजुकेशन, यानी शिक्षा के माध्यम से ही हम वो चीज़ पहुंचा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है उसका प्रसार क्या है, शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। शिक्षा ही मानव को सभ्य व सुसंस्कृत बनाती है, और शिक्षा के माध्यम से ही हम अपनी बात को दूसरे तक ईजीली समझा भी सकते हैं। अतः पर्यावरण का शिक्षा के साथ संबंध सदा से ही बना आ रहा है, तथा मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा का योगदान किसी न किसी रूप में रहता है, और जो हमें क्या है, साफ स्पष्ट दिखाई देता है। तो आज हमने, ये मेरा टॉपिक है, मैं अपना टॉपिक ये नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि समय शॉर्ट होने के कारण ये टॉपिक मुझे, मेरा ये जो है अप्रोचेस वाला एक टॉपिक मुझे मेरे दो वीडियो में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको बताया कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड द कमर्शियल एजुकेशन, कमर्शियल व्यवसायिक शिक्षा में, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी के क्षेत्र में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड द सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक रेट, इकोनॉमिक वर्ल्ड रेट एंड एजुकेशन की, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड हमारी एजुकेशन के क्षेत्र में मैं नेक्स्ट, मेरा ये चीज़ जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। तब तक के लिए टिल देन बाय, घर पे रहें और सुरक्षित रहें।